जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब यह पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था, लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई, उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे।